बच्चे मन के सच्चे, ये मन के सच्चे हैं या नहीं? लेकिन हाँ हैं तो अच्छे यार। अब जिन भाई साहब को कॉल कर रहा हूँ ना मैं, इनका एक बहुत प्यारा सा बेटा है और इनके स्कूल में एक उनका दोस्त है, वो भी इतना प्यारा है। अब मुझे पता ये चला है कि इन दोनों बच्चों में दोस्ती बहुत है और एक बच्चा जो है वो डिनर पर बुलाना चाहता है अपने दोस्त को और उनके मम्मी पापा को भी। अब लगाओ उनको कॉल। हेलो मनोज जी। जी कौन? मनोज जी मैं यश का फादर बोल रहा हूँ। यश आपका बच्चा जो है अतुल, इसका दोस्त जी, है, जी, मतलब जी। स्कूल में दोनों साथ हैं, मैं उसका पापा हूँ। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई और मैं अक्सर बेटे से पूछता रहता हूँ तो आपके बेटे का तो इतना जिक्र करता है, इतना जो कह रहा है मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बहुत बच्चे अच्छा। हैं एक्चुअली। हाँ बच्चे हैं सर, बच्चे हैं। और सर कैसे चल रहा है सब? बढ़िया, आपसे तो बात ही नहीं हुई कभी। हाँ बस सर वही अपना जॉब ही चल रहा है फिलहाल, और बच्चे स्कूल में आते हैं क्या हाँ है। बस यही, मेरा भी यही है, मेरा अपना बिजनेस है तो मैं थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ। मैं एक बार पीटीएम में गया भी था तो आपसे बात नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, मैंने दूर से देखा तो था आपको, तो बेटा मेरा कह रहा था देखो पापा मेरे दोस्त के पापा हैं, और भाभी अच्छा, मैंने भाभी फिर ठीक ध्यान है। नहीं दिया होगा फिर। हाँ ध्यान नहीं दिया होगा। और भाभी ठीक है? हाँ भाभी सब फर्स्ट क्लास है, बहुत अरे बढ़िया है। वाह, अरे वाह वाह। अच्छा मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि डिनर पे आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं इस संडे। अरे इसकी क्या जरूरत है। यही मैंने अपने बेटे से कहा था कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो पीछे पड़ा हुआ है मेरे मेरे कहने लगा नहीं पापा बुलाओ मेरे दोस्त को और उनके मम्मी पापा को भी, जैसे आप कह रहे हो ना इसकी क्या ज़रूरत है। मैंने तो थप्पड़ मार के कहा है उसको, मैंने इसकी क्या ज़रूरत है कि वो आए यहाँ पे खाना खाएं, तो कह रहा रोने लगा। तो मेरी वाइफ आ गई, वाइफ ने तो ऐसे कान पकड़ के खिलाएगा उनको खाना, खिलाएगा उनको खाना। रोने लगा मैं, वो भी कह रही इसकी क्या ज़रूरत है, खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिद पकड़े हुए है तो मजबूरी है हमारी भी बच्चों की। आप समझते हो ना, बच्चे मजबूर कर देते हैं, कोई काम आदमी ना भी करना चाह रहा हो ना ऐसा मजबूर कर देते हैं। मैं मतलब मैं मजबूरी में आपको कह रहा हूँ आप आओ डिनर पे। हाँ जी, हाँ जी, वही बच्चे, अब बच्चे को मना बच्चे भी नहीं कर तो वो सकते। मना नहीं अरे कर सकता, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है मना करने को, मैं तो ये कह रहा था एक थप्पड़ मारूं कि क्यों बुला रहा है उनको नहीं डिनर नहीं पे। बच्चे को क्यों मारना है, नहीं मतलब नहीं नहीं बच्चे मैं तो ये जो नहीं भी कह कहते रहा, हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा तो दिल मैंने तो मना कर दिया था बिल्कुल साहब, मैंने कहा बुलाना ही नहीं है उनको डिनर पे, क्यों जिद पकड़े हुए हैं, क्यों आए वो। मैंने तो कहा क्यों आएंगे वो, क्यों खाएंगे हमारे घर, कोई रिश्तेदार हैं हमारे जो उनके लिए पकवान बनाए और उनको खिलाएं, लेकिन बच्चे हैं जिद पकड़ अरे लेते यार, जब नहीं बुलाना तो क्यों दलील करो खाने के लिए ना, मना कर दो साहब। हैं। जलील पे जलील करे जा रहे हो तुम, ये कोई तरीका होता है ये कोई? हेलो हेलो जावेद, जी सर। जावेद हाय, मैं आपकी हेलो, कंपनी के एचआर से बोल रहा हूँ, कभी बात नहीं हुई है, हाँ आप जी, हाँ जी ऑफिस सर। नहीं आ रहे हैं, क्या हालचाल? सर बढ़िया, बट आज मेरे चाचा की तबीयत खराब है ना, तो सीरियस हालत है, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ। ओके सर। ओ जो चाचा की तबीयत, आपने इन्फॉर्म किया था? हाँ सर, करा था। अच्छा, कब से खराब चल रही है चाचा की तबीयत? सर 1 महीना हो चुका है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, क्या हो, क्या क्या है? सर उनको ना वो हार्ट प्रॉब्लम ओ और थोड़ा अच्छा, सर में हेडेक ज्यादा रहता है उनके, हाँ सर में हेडेक भी चल रहा है ना आजकल, सही और कह रहे हो उन्हें आप। फीवर भी रहता है सर। अच्छा, आई एम हाँ, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं अच्छा अच्छा सर। अच्छा अच्छा क्या एज है चाचा की? सर चाचा की एज समथिंग 35-40 है सर। हाँ 35-40। जी, हाँ अच्छा, जी, आपसे तो बड़े हैं। हाँ सर, मेरे ख्याल से बड़े ही हैं मुझसे। हाँ हाँ आपसे बड़े ही होंगे ना चाचा हैं। ओहो, तो आपने मेल लिख दिया जी था? सर, हाँ जी सर, मैंने लिख दिया था। आपने पहले भी छुट्टियां ली थी ना, 5-6 छुट्टियां पहले भी ली थी? हाँ सर, वो बीमार बहुत रहते हैं ना हमारे, तो उन्हें बार ओहो बार एडमिट करना अच्छा अच्छा पड़ता है हाँ इसीलिए। ये तो अभी हाँ अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? सर, घर के पास एम्स में सर। घर के पास एम्स में? तो आप गुड़गांव नहीं रहते हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है। ओहो जी सर, हाँ जी, एम्स में ना?
हाँ सर, वार्ड नंबर, घर के वार्ड पास नंबर में ही क्या है। है, वार्ड नंबर क्या है इनका? सर वार्ड नंबर 22 है ट्वेंटी शायद टू सर। मैं पूछ लेता हूँ, रुको, 22। सर 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 आप क्या पूछ लेते हैं मैं नर्स से पूछ लेता हूँ, मैं यहाँ एम्स से आ गया हूँ। मैं एक्चुअली क्या मेरे भी एक सर, रिश्तेदार एडमिट थे, तो एक्सक्यूज मी नर्स, कहाँ पे सर, कहाँ ये पे एम्स में, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी नर्स, वो ये हार्ट सर? पेशेंट्स कहाँ पे एडमिट है? अरे हार्ट पेशेंट्स सेकेंड फ्लोर। ओके ओके, एक सेकेंड, मैं सेकेंड फ्लोर जा ही रहा हूँ। अच्छा है यार, किसी की तबीयत सर पूछ रहे सर हैं थोड़ा। सर हाँ सर जी, मेरे मेरे चाचा जो फोर्थ फ्लोर पे है शायद। फोर्थ पे हैं तो नहीं मतलब नहीं 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 सेकंड पे है शायद। सेकंड पे है। रुकिए मैं पता करता हूँ सेकंड पे, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सिस्टर, सेकंड फ्लोर। ओके ओके, सर मुझे लगता है ग्राउंड हो। ग्राउंड पे हैं, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सिस्टर, ग्राउंड फ्लोर किधर से रास्ता? अच्छा, एक मैं ग्राउंड फ्लोर ही जा रहा हूँ, रुकिए। वार्ड नंबर सर ट्वेंटी एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट एक हाँ मिनट। हाँ जी, हाँ मम्मी, अरे डिस्चार्ज हो गए चाचा? अरे ठीक है, मैं सर से कह देता हूँ। हेलो हाँ जी। सर, एक खुशखबरी है, मेरे चाचा डिस्चार्ज हो गए हैं अरे अभी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर कल से ज्वाइन कर लेंगे आप? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ कल जी, से आ जाइए, कल से आ जाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हेलो, हेलो आशीष भाई, हाँ कौन? भाई सुरेश बोल रहा हूँ। अबे सुरेश, लैंडलाइन से क्यों फोन कर रहा है? अरे तू वो सारी बात छोड़ यार, सुनना यार, मेरी हेल्प कर दे भाई। मैं ना यार, मेरे को गोवा जाना था, तो मैंने ना बॉस को ना थोड़ा झूठ बोल दिया कि मेरे भाई की शादी है, और समझ रहा है तू, थोड़ा मेरे को संभाल ले यार। तेरा भाई कहाँ है? अरे तू ही मेरा भाई है भाई, बात समझा कर यार। मतलब कि मेरे को ना जाना था, तो मुझे कोई बहाना नहीं मिला, तो मैंने ये बोल दिया कि मैं अपने भाई की शादी में जा रहा हूँ, तो तू थोड़ा सा देख लियो, ठीक है भाई? बॉस ना आसपास ही है, अभी तरह से क्या बात क्या देख करेगा, लियो? तू थोड़ा मतलब बात कर लियो यार उससे ना, बॉस मेरे आसपास ही है, तो भाई जैसे ही बात करेगा प्लीज सर मेरे संभाल लियो, को कुछ मत भी बोल दियो बुलाओ यार यार। उसको, कुछ भी बोल दियो, मैटर नहीं करता भाई। हेलो हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, सर ये लाइन पे। लाइन पे आपका हाँ भाई, हाँ 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, थैंक्स सर, थैंक्स। कब की है शादी आपकी? बस सर मतलब थोड़े दिन में ही है सर शादी, तो थोड़े दिन में तो है, पर कब की है, डेट क्या है? मतलब सर इसी मतलब साया आपको पता है यही चलता है, ये साया नवंबर पर, हाँ दिसंबर का ही, हाँ हाँ तो इसी में फिर तो डेट नहीं बताई दो आपने। कंडीशन सर। डेट सर मतलब ऐसा अभी कठिन फंक्शन है ना, 7-8 दिन के, तो सुरेश को भी फिर मैं इसलिए कह रहा था कि भाई तू भी छुट्टी ले अच्छा, ले, हाँ नहीं, जरूरत होती है। भाई की जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए भाई। हाँ जी हाँ अच्छा जी मुझे पता नहीं था कि आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं। सर, बड़े बड़े भाई की शादी पहले होती है ना, तो मैं बड़ा भाई हूँ सर, सुरेश का बड़ा भाई। तो आपकी डेट आपने अभी तक मुझे बताई नहीं। खैर कहाँ पर हो रही है शादी, कहाँ पर है? सर वही यूपी में सर, अपना आगरा के पास पास ही है, मतलब अपना जो टाउन है ना आगरा? सुरेश तुम तो सर, गुजरात बता रहे थे मुझे। हाँ, 2 घंटे की फ्लाइट है, मतलब डायरेक्ट आगरा, आगरा में एयरपोर्ट भी है ना? नहीं अभी बन गया। अच्छा तो हाँ, नहीं फिर इस हिसाब से तो गुजरात और आगरा काफी पास है, तो डेट आपने खैर मुझे बताई नहीं है शादी की। पर सर डेट का क्या है, मतलब ऐसा संजोग ही होते हैं, जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, जो मतलब कुंडली के हिसाब से फंक्शन हाँ होता हाँ है, हाँ सोलह नहीं उसके नहीं हिसाब संजोग ही है सब कुछ, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो आपकी फिर मिसेस कहाँ की है, सुरेश की भाभी कहाँ से आई, फिर वो कहाँ की है? सर। वो वहीं से है, मतलब अच्छा अपना वहीं पटना से, पटना के पास से है, मतलब पटना के पास है उनका ना घर। सर के पास है? मेरठ कब से पटना के पास है भाई? नहीं सर, मतलब ऐसा है ना कि उनका ऐसा है कि उनके मौसी जी है ना जो मेरठ ही रहते हैं, तो मेरठ के पास ही रहते थे, जो अच्छा मेरी अच्छा होने वाली अगर फियांसेस है ना, तो वो कॉलेज वॉलेज उन्होंने मेरठ से ही किया। चलो, मतलब ऐसे सब तैयारियां हो रखी हैं ना, मेरी कोई हेल्प की हाँ जरूरत जी तो हाँ नहीं जी है? हाँ जी। नहीं नहीं सर, अपना क्या है कि अपना 4-5 लोगों का अच्छा पूरा प्रोग्राम रखा है, भाई लोग सब हैं वहाँ पर, तो उनके साथ मिलके सब पूरा तैयारियां सर पूरी हो गई हैं। कितने लोग हैं चार चार 5-6 लोगों को तो बुलाना ही पड़ता है सुरेश? आजकल सर हाँ हाँ आपको। यस सर, तुमने तो मुझे बताया था कि बड़े क्लोज फैमिली मेंबर 15-20 लोग हैं। हाँ, बताना भाई सर कितने लोग हैं। नहीं वो ऐसा है ना सर, वो क्लोज तो सर 15-20 लोग ही होते हैं, जो देख के मतलब अपनों की खुशी में खुश होते हैं, बाकी सारा तो सर मतलब ऐसा है ना कि उनके उन्होंने बुलाया था अपनी शादियों में, तो उन्हें बुलाना पड़ रहा है, बाकी वो क्लोज तो 15-20 लोग ही हैं सर। अच्छा, तो फिर आशीष आप भी जा रहे हो क्या सुरेश के साथ गोवा? सर गोवा तो सर इन लोगों का नहीं सर, गोवा नहीं सर, गुजरात की शादी है, मैं बताया ना आपको कि हम सब लोगों ने
जाना है यार। तुम कितने अच्छे दोस्त हो भाई, झूठे एक नंबर के लेकिन दोस्त बहुत प्यारे हो यार। सुरेश बता दो भाई इसको। भाई आशीष रहने दे, बस आ गया तूने। अरे अब कोई फायदा नहीं, अब तो बता ही दे भाई। भाई मैं पंकित बात कर रहा हूँ और ये सुरेश है मेरे साथ, तो पता ही है इसका। और अंतरा मुर्गा बना रहे थे भाई। लेकिन तुमने अभी तक आशीष मुझे शादी की डेट बताई नहीं। सर वो संजोग से ऊपर ना कोई चीज नहीं है, ऊपर वाले ने कुंडलियां मिलाई हैं तो शादी। सही है भाई, सही है भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त सबको मिले भाई। बाय आशीष, ध्यान रखो भाई, बाय बाय। मुबारक हो, 8 बिलियन हो गई है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 8 बिलियन लोग। अरे यार ये कितने बड़े नंबर हैं। लेकिन मैंने कभी कभी सोच रहा था मेरा कौन सा नंबर है या फिर आपका कौन सा नंबर है। अब ये पता नहीं इनका कौन सा नंबर है जिनको फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो हेलो, कौन सर? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं। सर आई एम गुड, आई एम गुड। सर मुबारक हो, 8 बिलियन हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 8 बिलियन। हाँ सर, आप न्यूज व्यूज नहीं देखते क्या? 8 बिलियन, 8 बिलियन पूरे दुनिया के लोग। ये तो आपसे चला पता, मैं ज्यादा देखता ही नहीं। अच्छा आप नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं सर। मैं सबको, सर मैं यहीं से बोल रहा हूँ, सेंसेक्स से ही बोल रहे हैं, हमारी ड्यूटी लगती है। तो मैंने कहा आपको एक तो कंग्रेचुलेशन कर दूँ, 8 बिलियन हो गए हैं सर। थैंक यू सो मच। सर नंबर मिल गया आपको अपना? हाँ नंबर तो मिल गया मेरा। नंबर मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, मेरा नंबर मुझे मिल गया है, 92108। नहीं नहीं नहीं, फोन नंबर नहीं, फोन नंबर नहीं सर। सर आपका नंबर दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तो आपका जो नंबर है वो एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि सर वो काम आएगा कल को, अगर कुछ मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर? अच्छा एक मिनट रुक जाइए सर, आप एक मिनट। हाँ जी वो लिख लीजिए। ठीक है बोलिए। हाँ सर, क्योंकि 8 बिलियन है सर, आपका नंबर है 6 बिलियन। 6 बिलियन सर, 22 मिलियन। 22 मिलियन, 4 लाख, 4 लाख, 82,000, 82,000, 700, 700, 65, ये आपका नंबर है। मैं 65 पे पैदा हूँ। हाँ सर, ये 6 बिलियन ये चल रहे थे ना, तो काउंट कर रहे हैं हम, तो सबको अपने अपने नंबर दे रहे हैं सर। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके सर्टिफिकेट भी बनेंगे ना आप, तो वो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, ट्रैवलिंग के टाइम पे पासपोर्ट जैसे रखते हो तो ये भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर? चलो भाई ठीक है, फिर मैं रखता हूं। ओके सर, ओके सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, 8 बिलियन। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। हेलो सर, रिमेम्बर मी? मैंने अभी बात कर रहा था वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर। आपको मुबारकबाद दी थी, 8 बिलियन लोग हो गए, आपका नंबर भी दे दिया था मैंने। जी याद है। हाँ सर, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई सर, जो मैंने नंबर दिया था उस पे दूसरे भाई साहब हैं कोई, अभी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं इस पे तो मैं पैदा हुआ था। तो सर वो हमने निकाला डेटा, आप अपना सही नंबर लिख लीजिए सर एक बार। ठीक है यार, एक मिनट रुको। हाँ जी ठीक है, बताओ क्या नंबर है मेरा? सर 6 बिलियन, 6 बिलियन, 22 मिलियन, 22 मिलियन, 4 लाख, 4 लाख, 82,000, 732 पे पैदा हुए हैं सर। अब रिकॉर्ड निकाला है। 732 पे? हाँ 732 पे पैदा हुए हैं आप। ठीक है ना, ये डेटा आपका सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई आपसे पूछे कब पैदा हुए तो ऐसे कहिएगा 6 बिलियन, 22 मिलियन, 700, ये पूरा बता दीजिएगा। ठीक है इसको रख लीजिए सर, ये आपके पास सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, ओके ओके सर, ओके बाय बाय। हेलो सर, अभी आपसे बात हुई थी, वी जस्ट टॉक, याद रिमेम्बर सर? वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर। हाँ जी याद, याद, याद। सर आई एम सो सॉरी अगेन, आई एम सो सॉरी सर। आपका नंबर क्या था सर, एक बार बता देंगे आप? यार वो कुछ बिलियन मिलियन करे कुछ नंबर। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ सर, 6 बिलियन, 22 मिलियन, 4 लाख, 82,732 पे पैदा हुए थे सर आप। अच्छा मेरी वाइफ को बताना। अच्छा वाइफ का, एक सेकंड सर, आपकी वाइफ, वाइफ ऑफ, हाँ सर इनका लिख लीजिए वाइफ का। बताओ क्या है? 6 बिलियन, 6 बिलियन, 22 मिलियन, 22 मिलियन, 4 लाख, 4 लाख, 81,000,
81 पे पैदा हुई है ये। 861 ये तो बढ़िया होगा फिर मुझसे। हाँ जी ये तो मुझसे बढ़िया होगा फिर। कैसे सर? अरे मैं 32 पे पैदा हुआ, वो 61 पे पैदा हुई है। तो सर आप लाख नहीं देख रहे ना, आप ये 800,000 पे पैदा हुई है, आप यहाँ पे 400,000 पे पैदा हो गए, समझ गए आप। चलिए सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है सर? अरे एक मिनट रुको ना। हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे आसपास कितने लोग पैदा हुए मुझे बताना। आपके आसपास कितने पैदा हुए हैं? हाँ मैं बताया तुम सर। सर ये आपका 32 पे ना सर, 6,022,481,633 पे पैदा हुए एक भाई साहब। सर ये कौन है? सर ये साउथ अफ्रीका के मिस हाउस राजा, साउथ अफ्रीका में। और सर आपके एक और पैदा हुए फॉरन आपका 6,032,481,630 पे पैदा हुए सर, चाइना के हैं सर। हाँ जी ये चाइना के हैं। हाँ जी चाइना के। ठीक है सर मैं रखता हूँ फिर। एक मिनट एक बात बताओ मुझे आप। हाँ जी हाँ जी। इस नंबर का कुछ फायदा है? नहीं सर कोई फायदा नहीं, मैं तो ऐसे गिनती कर रहा था, मैं टाइम पास करता रहता हूँ, लोगों को कॉल करता रहता हूँ सर, कोई ऐसा फायदा नहीं है। ठीक है अबे फोन कर दो, फोन कर, मेरे पास कुछ काम है नहीं है। हेलो ये अशोक जी? जी सर। हाँ अशोक जी मैं ये प्रभाकर बोल रहा हूँ, आपको परसों हमने कार्ड दिए थे, पूरा फॉर्मेट दिया था, मेरे बेटे अमन की शादी है, याद है आपको अमन वेड्स? जी। हाँ जी अमन वेड्स, आपको याद आ गया ना? याद आ गया। हाँ तो कार्ड आपने छापने तो शुरू नहीं किए हैं सर? वैसे तो मैंने काम शुरू कर दिया। नहीं 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 अभी उसको थोड़ा सा रुकवा दो, आप थोड़े से चेंज करने हैं मेरे को उसमें ना, थोड़ा सा चेंज कर दो। सर क्या लिखना है सर? हाँ वो कार्ड वो जो फॉर्मेट दिया था ना उस पे देखो आप, बीच में लिखा होगा अमन वेड्स कुसुम। जी जी है ना, कुसुम मत करो आप। कुसुम कुसुम मत, कुसुम कार्ड दो, वहां लिख दो संगीता। संगीता? हाँ संगीता लिख दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार फिर घर पे भी बता देता हूँ, अच्छा हुआ अभी छपे नहीं है। ठीक है ठीक है सर ठीक है। हेलो। हाँ अशोक जी मैंने अभी बात करी थी ना आपसे। जी सर, बेटे बेटे अमन की शादी है ना, वो कार्ड जो मैंने चेंज कराया था ना, अमन बेट संगीता करा दिया था। जी जी जी। अभी छपाए तो नहीं है ना आपने? अभी छपाया? हाँ छपाना मत, आप एक काम करो उनमें थोड़ा चेंज कर देना, अमन बेट संगीता हटा दो, आप संगीता हटा दो। संगीता? हाँ संगीता हटा दे। हाँ हटा दो। अमन वेड्स वैशाली कर दो आप। वैशाली? हाँ वैशाली कर दो सर। हाँ नहीं नहीं वो छपाना, अभी छपाना है, अभी घर पे भी डिस्कस हुआ है, मैंने कहा आपको बता दूं, वैशाली कर देना। ठीक है सर कर तो दूंगा। हाँ, अभी नहीं नहीं आप वैशाली के बाद कोई नहीं नहीं अभी आप छपा। हाँ वैशाली के बाद नहीं नहीं वैशाली कर दो आप। ठीक है जी सर ठीक है। ओके ओके भाई ओके। हेलो। हाँ अशोक जी? जी सर। अभी कॉल किया था ना, वो आपको चेंज कराया था ना कार्ड में, छपाए तो नहीं ना, अभी शुरू तो नहीं करें? जी सर शुरू कर दिया मैंने। नहीं नहीं शुरू मत करो अभी, अभी आप शुरू मत करो, आप अमन वेड्स प्रीति कर दो, जो मैंने लास्ट नाम लिखा था उसको हटा दो, प्रीति कर दो, प्रीति ठीक लग रहा है। प्रीति? हाँ प्रीति कर दो आप। हाँ प्रीति, प्रीति का हाँ PREETI, ठीक है अमन वेड्स प्रीति। ठीक है जी सर। ओके ओके। हेलो हेलो अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना कार्ड अभी शुरू? हेलो सर अभी नहीं छपाए। नहीं नहीं वो छपाना मत, लास्ट चेंज है, मैंने अभी लास्ट में अमन वेड्स प्रीति बताया था ना आपको, प्रीति। जी जी जी, जी हाँ इसमें चेंज कर दो थोड़ा, आप अमन को हटाओ, प्रीति अमन? हाँ अमन को हटा दो आप, अमन को हटा दो। अब आप लिख दो तुषार वेड्स प्रीति। अरे अमन की जगह तुषार? हाँ तुषार, तुषार नोट करो। हाँ TUSHAR। हाँ तुषार कर दो आप। ठीक है जी सर।
हेलो अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना? अभी अभी मैंने वो तुषार बेड स्प्रीड जी कराया था, एक करेक्शन करनी है। अरे क्या हटाना है? नहीं नहीं बाबा, लास्ट है, लास्ट है। आप तुषार भी हटा दो, प्रीति भी हटा दो, आप ना ब्लैंक रखो। अभी अभी मेरा जब मूड बनेगा जब बताऊंगा मैं किसकी किससे करनी है, ठीक है? अरे सर कब मूड बनेगा? मूड 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 बनेगा, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। हेलो भाई साहब, टेंट हाउस से बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। क्या हाल चाल भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। मैं आपको सोच रहा था कल से फोन करने के लिए, थोड़ा सा मैंने सोचा आपसे बात करूं। सर प्रभाकर बोल रहा हूँ सर, प्रभाकर आप जानते नहीं सर, वो शादी है मेरी, तो ये टेंट की बात, ये आपसे टेंट की बात करनी थी। कौन सी डेट में है सर? सर 22 शाम की, 22 तारीख 22 शाम की। हाँ 22 की शाम की हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें ये पूछ रहा था, आपके पास वो है ये जो व्हाइट स्पेशल आते हैं ना झालर वाले, ये जो क्या बोलते हैं, एक तो ऊपर होता है व्हाइट लड़ी, व्हाइट लड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा हाँ, है वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ठीक है ठीक है। और हम ये सोच रहे हैं दुल्हन जो एंटर करेगी ना, आपका नाम, आपका नाम जान सकता हूँ सर? हाँ अशोक। हाँ जी अशोक जी, तो इसमें एक तो वो मिल जाएगा रेड कारपेट, क्योंकि दुल्हन जहाँ से एंटर करेगी ना स्टेज तक, हमें रेड कारपेट चाहिए। वो 6x6 फीट चौड़ा होता है, लंबा तो कितना ही कर लो उसको। हाँ हमारे पास बाहुबली वाला रेड कारपेट होगा जिसमें मैम और आप आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओ बाहुबली वाला, ओके ओके ओके। अच्छा सर, इसमें आपके पास वो अवेलेबल होगा क्या? वैसे मैंने सोचा पूछ लूँ, हम चाह रहे हैं स्टेज पे ना दुल्हन को, उससे वो ऐसे आते नहीं है स्टेज पे लटक के फिर स्टेज पे, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। हाँ जी वो मशीन, वो अवेलेबल होगी? वो अवेलेबल हम करवा देंगे, बट मेरे एक दोस्त के पास है, हम बाद में बात कर लूंगा। अच्छा 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 अच्छा, आप एक बार बात कर लेना, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा क्या है, पापा से पूछता हूँ, रुको पापा। और हम हाँ जी हम एक मतलब आपको जिस पे आप सोफे पे बैठेंगे ना, वो जयमाला जो बाहुबली वाले सोफे होते हैं ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, जयमाला, अच्छा बाहुबली वाला सोफा, वो अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, वो भी मिल जाएंगे आपको। और रेड कलर के मतलब कारपेट होंगे सारे। अच्छा, पिंक कलर के सर पूरी वॉल मतलब पूरे सर चारों तरफ पर्दे होंगे। अच्छा चारों तरफ पर्दे हमारे पास अवेलेबल। अच्छा वो है, अच्छा वो पापा कह रहे हैं सर आपके पास डोली होगी बाई चांस? डोली, क्योंकि हम चाह रहे हैं दुल्हन जो है ना, वो वैसे तो घर से तो वहां तक कार में आ जाएंगे, वो दुल्हन को हम लाना चाह रहे हैं डोली में बिठा के स्टेज तक। ये सर मुझे पता करना पड़ेगा एक बार, मैं कंफर्म नहीं है लेकिन। ओहो, डोली का आप पता कर लो एक बार, हाँ मैं आपको पता करके बता दूंगा। अच्छा सर, आपके पास ये, हम चाह रहे हैं कि जब दुल्हन आए ना, तो दुल्हन और मैं वो गोल घूमते हैं ना नीचे स्टेज पे होता है गोल, अरे वो बड़ी सी प्लेट जो, प्लेट हाँ जी वो अवेलेबल हो जाएगी? हाँ वो भी मिल जाएगी आपको। अच्छा 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 अच्छा, और उसके साथ हम एक एडवांटेज मतलब एक चीज और देंगे आपको। हाँ जी, उसमें है ना मतलब एक साइड से एक लड़का फूल फेंक रहा होगा आपके ऊपर। ओ अच्छा अच्छा, वो साइड से फूल फेंक रहे हैं ना? हाँ, वो अच्छा। आपके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी आएंगी ऊपर से। अब पापा कह रहे हैं ऊपर से गुलाब की पंखुड़ी फेंकेंगे वो, तो वो अवेलेबल है आपके पास लड़के? हाँ वो मिल जाएंगे। अच्छा वो मिल जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। पापा और कुछ? ओ मैं भी भूल गया था, भाई साहब दुल्हन होगी कोई? दुल्हन दुल्हन मतलब लड़की मतलब लड़की नहीं है भाई लड़की नहीं है, हाइड्रोलिक मशीन भी दे देंगे।